हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू बीएड जनवरी 2020 का जो सेशन होने वाला है उसके ऑफ़र लेटर की और मेरिट लिस्ट की। जी हां, अभी आरसी जयपुर रीजनल सेंटर जो जयपुर है वहां का ऑफ़र लेटर आ चुका है और वहाँ की मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये उसकी मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की कंफर्म लिस्ट है और ये कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, ये जनरल की कंफर्म लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है और उसके बाद यहाँ पे जनरल की वेटिंग लिस्ट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जनरल की वेटिंग लिस्ट है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पीएच कंफर्म लिस्ट है, यहाँ पर पीएच वेटिंग लिस्ट है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कंफर्म लिस्ट है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वेटिंग लिस्ट है। इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से देखना है, वो सारी जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। ये ओबीसी कंफर्म लिस्ट है और ये है ओबीसी वेटिंग लिस्ट, ये है एससी कंफर्म लिस्ट, ये है एससी वेटिंग लिस्ट, ये है एसटी कंफर्म लिस्ट, ये है एसटी वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी मेरिट लिस्ट की बात। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो ऑफ़र लेटर आया है उसके अंदर। यहाँ पर इन्होंने 55,000 का ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा है, पेएबल एट जयपुर। ये आरसी जयपुर की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद एडमिशन फॉर्म, सर्टिफिकेट प्रोवाइड, फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिस टीचिंग, एक ये चाहिए, एक्सपीरियंस कम, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये एनेक्सर 1 है और एनेक्सर 2 है। उसके बाद एसटी एससी कास्ट सर्टिफिकेट तो एनेक्सर 3। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी कास्ट सर्टिफिकेट एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट एनेक्सर 4। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एनेक्सर 5। ऑप्शन फॉर्म फॉर बीएड, फिर कोर्स ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और अगर आपको एनेक्सर चाहिए तो यहाँ पर नीचे सारे दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और हम सर्च करेंगे आरसी जयपुर और इसको हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आरसी जयपुर करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमें जयपुर रीजनल सेंटर की वेबसाइट आ जाएगी और इस वेबसाइट पर हम यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं बीएड ऑफ़र लेटर लिखा है और नीचे लिखा है बीएड मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले तो हम ऑफ़र लेटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने का हमारे पास लिंक आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो ऑफ़र लेटर है वो डाउनलोड हो चुका है। और वापस हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ब्लू कलर में जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और आप अपने मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं और अपना नाम यहाँ पर अगर हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम कन्फर्म लिस्ट में है या फिर वेटिंग लिस्ट में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और आप किस रीजनल सेंटर से हैं और कहाँ कहाँ की अभी तक ऑफ़र लेटर या मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाले समय में जब भी ऐसी कोई जानकारी आती है तो मैं उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी दे दूँगा। तो आप ज़रूर से अपना आरसी कमेंट करें और अपने कितने नंबर आ रहे हैं वो भी आप कमेंट करें ताकि एक छोटा सा मैं अंदाज़ा लगा पाऊँगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ़र लेटर तो अभी आ गए हैं, मेरिट भी आ गई हैं, तो कितनी मेरिट है वो नंबर हमें एक बार अंदाज़ा लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।